ओम शांति। संगम युग हम सभी के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। इस पर ही हम जन्म जन्म की कमाई कर रहे हैं। यही वो समय है जब हमारे एक एक सेकंड का बहुत बहुत ज़्यादा मूल्य है। हमें अपने को चेक करना है कि हम ज्ञान से, सेवाओं से, संबंधों में स्वीटनेस से दुआएं लेकर और योग अभ्यास करके कितने खजाने जमा कर रहे हैं। क्योंकि जब खजाने जमा करने का समय है, तब यदि हम जमा नहीं करेंगे और फिर हमें याद आएगी जब समय बीत जाएगा, तो कुछ भी हमारे हाथ लगेगा नहीं। अब समय है जमा करने का और समय पहुंच गया है बांटने का भी। तो हम इतना जमा कर लें कि हम सबको बांट सकें। अगर हमारे पास ही नहीं होगा तो हम बांटेंगे कैसे। जमा करने में हम एक चीज़ ध्यान रखें कि अमृत वेला योग करके हमने जमा किया, मुरली सुन के हमने जमा किया, हमारा अच्छा रहा सब कुछ, लेकिन सारा दिन माया से युद्ध करते, परिस्थितियों से युद्ध करते, हमारी शक्तियाँ ख़त्म हो गई, हमने शक्तियाँ नष्ट कर दी, तो फिर हमारा जमा का खाता भी साथ साथ समाप्त हो जाता है। तो हम अच्छा योग भी करें, लेकिन सारा दिन हम ज्ञान का प्रयोग करते हुए, स्वमान का प्रयोग करते हुए खजानों को जमा करते रहें। विशेष रूप से हमें अपनी ये चेकिंग करनी है, क्योंकि हमें बहुत खुश रहना है, बहुत लाइट रहना है। डबल लाइट ही डबल ताजधारी बन पाएंगे, ये भगवान ने कहा है। डबल लाइट, मन भी लाइट, आत्मा भी लाइट। आत्मा के स्वरूप में रहना, मन को सारा दिन बहुत हल्का रखना, इससे ही हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी। अगर ऐसा नहीं है, अगर हम लाइट नहीं रहते, कोई चीज़ हमें भारी कर देती है, कोई बात आई, मन भारी हो गया, आत्मिक स्वरूप की भी विस्मृति हो गई, तो हमारा जमा नहीं होगा, बल्कि सारा दिन खर्च होता रहेगा। क्योंकि आत्मिक शक्तियाँ तो सारा दिन धीरे धीरे यूज होती ही रहती हैं। तो हम इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। हमें स्वराज्य अधिकारी भी बनना है, ये हमारी बहुत सुंदर तपस्या है। हम अपने को आत्मा देखें, आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर मस्तक सिंहासन पर बैठें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, राजा हूँ, स्वयं का राजा। स्वयं के राजा का अर्थ है कर्मेंद्रियों का राजा, संस्कारों का राजा, मन बुद्धि का राजा, इस देह का भी राजा। तो किसी भी चीज़ की हमें अधीनता न हो, संबंधों में भी अधीनता न हो। अगर संबंधों में भी अधीनता है तो हम राजा नहीं, हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बन सकते हैं। इसका बहुत हमें ध्यान देना है। और बाबा जैसा अभ्यास करते थे, वैसा ही अभ्यास हमें भी करना है। और वो अभ्यास है अपने मन को, अपनी बुद्धि को आदेश देना। हे मेरे मन, अब इधर उधर भागना भटकना बंद करो। अपने मन से आप बात करो। हर व्यक्ति को पता तो चलता है उसका मन किस तरफ भाग रहा है, तो उसको भागने से बचाएंगे बहुत अच्छी तरह। इस पर बहुत ध्यान देना है। बुद्धि कहाँ भटक रही है, वो स्थिर क्यों नहीं होती, बुद्धि का भटकाव हमने किस तरफ कर दिया है। तो उसको यदि हम कंट्रोल करेंगे स्वराज्य अधिकारी बनकर, तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए पहले हमें अपने को ये बहुत अच्छा स्वमान देना चाहिए, मैं स्वयं का मालिक हूँ, राजा हूँ मन बुद्धि का। क्योंकि तभी हमारे ऑर्डर पर मन बुद्धि काम करेगी। अगर हम राजा नहीं बने तो हमारे आदेश को मन बुद्धि कदापि नहीं मानेगी। इसलिए बहुत अच्छे अभ्यास की ज़रूरत है। मास्टर सर्वशक्तिवान और स्वराज अधिकारी, इन दोनों की बहुत साधना करना भी हमारी बहुत अच्छी तपस्या है।
तो अब समय तपस्या का चल रहा है। अपनी तपस्या में ये दो तपस्या भी हम जोड़ेंगे और अपनी स्थिति को बहुत महान बनाएंगे। ओम शांति।